सलाम दोस्तों, जिंदाबाद। और मैं सच में अपने अपने जैसे और यहाँ बैठे तमाम युवा साथियों से ही मुखातिब हूँ, क्योंकि ये जो लेख है तीन क्षण, ये सृजन प्रक्रिया के बारे में, कलाकार के बारे में ही बात करता है। तो खासकर वो जो संभावित कवि हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। सीनियर जो सीनियर कवि हैं उनसे नहीं, क्योंकि वो उस तीन क्षण के बारे में बखूबी जानते हैं। इसलिए मैंने जो ये आलेख तैयार किया है, ये सारा अपना ही सिर्फ टवल है कला के इस तीन क्षण को समझने के लिए, कि कैसे कविता पैदा होती है, कैसे कोई सृजन संभव होता है। मैंने अपने को अनुशासित रखने के लिए ये पर्चा तैयार किया है। मैं इसके आसपास ही रहूंगी। मैं ये पर्चा पढ़ ही देती हूँ, भटकने से अच्छा है। मैं अगर इसकी डायरी की, जिसमें ये तीन क्षण निबंध संग्रहित है, इसकी शैली पर बात करूं तो एक संवाद धर्मिता है। पूरे डायरी में दो लोगों के बीच हर निबंध में संवाद है। मुझे ये संवाद अच्छा लगा और मुझे समझ में आया कि जब आप इस तरह का संवाद, इस तरह की शैली इस्तेमाल करते हैं, तो आपको प्रश्न प्रति प्रश्न, उत्तर प्रति उत्तर स्वयं देना पड़ता है, और उन सारे प्रश्नों और उत्तरों के प्रति सावधान और ईमानदार रहना पड़ता है, निष्कर्ष चाहे जो निकले उसके। तो ये पूरा तीन क्षण का जो कवायद है, मुक्तिबोध और उनके मित्र केशव के बीच होता है। प्रश्न यहां से शुरू होता है कि सौंदर्य क्या है, जिस पर केशव कहता है, किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है, तब सौंदर्य का बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद मिटकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, तब सौंदर्य भावना उद्भव होती है। यहां मुक्तिबोध इन दो शब्दों पर, जो शब्द पहले भी जिनका इशारा किया था, तादात्म्य तदाकारिता, इसकी संकल्पना में मुक्तिबोध तटस्थता शब्द पेश करते हैं। और वो कहते हैं कि हिंदी में मन के बाहर की वस्तु को ही वस्तु समझा जाता है, जबकि मन तत्व भी वस्तु तत्व हो सकता है। यदि इस मेरी बात को मान लिया जाए कि मन का तत्व भी वस्तु तत्व है, तो ऐसे में तदाकारिता या तादात्म्य का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह तत्व मन का ही एक भाग है। केशव उनका मित्र कहता है कि आप लेखक की हैसियत से बात कर रहे हैं, सब कोई लेखक नहीं होता है। मुझे जो समझ में आया कि लेखक और पाठक के बीच दो प्रक्रिया ठहरती है, पाठक के लिए तादात्म्य तदाकारिता की प्रक्रिया और लेखक के लिए तटस्थता की प्रक्रिया। अब ये तटस्थता क्या है, इसको थोड़ा सा मैंने समझने की कोशिश की है। यह तटस्थता कला के दूसरे क्षण में आती है, जिसमें अनुभव अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाता है। ये जो पृथकता है अपने अनुभव से किसी कवि कलाकार की, यही मुक्तिबोध की उस क्षण जहां वो तटस्थता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यही वो तटस्थता है। आगे केशव कहते हैं कि तुम में और मुझ में एक भेद है, विचार तुम्हें उत्तेजित करके क्रियावान कर देते हैं और तुम विचार मुझे उत्तेजित करके क्रियावान कर देते हैं और तुम विचारों को संवेदनाओं में बदल देते हो, फिर उन संवेदनाओं के चित्र बनाते हो। विचारों की परिणत संवेदनाओं में, संवेदनाओं की परिणति चित्रों में, इस प्रकार तुम में यह दो परिणतियां होती हैं। मुक्तिबोध यही कहते हैं उस निबंध में कि दरअसल कला के तीन क्षण होते हैं। यह सिर्फ पहला क्षण अनुभव, जिसके पहले उन्होंने तीव्र और उत्कट शब्द का विशेषण जोड़ा है, यह सिर्फ अनुभव नहीं है। मुक्तिबोध अनुभव के पहले जो दो विशेषण जोड़ते हैं, वह उस पहले क्षण को जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसको फैंटेसी में बदलने के लिए एक फोर्स का रूप में काम। अगर आप दिन भर में, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं लेकिन सब हमारे अनुभव में शामिल नहीं होती। वो जो तीव्रता है, वो जो उत्कटता है किसी भी चीज, किसी भी देखे गए चीज की, वही हमारे फैंटेसी में जो दूसरे क्षण में आती है जाके घटित होती है। यहाँ बहुत सारे और भी प्रश्न पैदा होने की गुंजाइश है, और सच मानिए इनमें प्रेत प्रश्नों में उलझ गई हूँ, हो सकता है कि भटक भी जाऊं।
जैसे एक प्रश्न यही कि अनुभव क्या है और यह अनुभव करता कौन है, मुक्तिबोध के लिए अनुभव क्या है, मुक्तिबोध से पहले अनुभव पर किस तरह की बातें हो चुकी हैं, क्या अनुभव कोई निरपेक्ष या तटस्थ चीज है, इसी तरह के प्रश्न। भाषा वैज्ञानिक सश्यूर अपनी भाषा सिद्धांत में तीन प्रमुख सूत्र देते हैं, कहते हैं पहला कॉन्सियसनेस यानी चेतना भाषा से पैदा होती है, हम एक सब्जेक्ट के रूप में भाषा में जन्म लेते हैं। यहां ध्यान रखें चेतना से पहले भाषा मौजूद है। और भाषा के बारे में कहते हैं भाषा रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती बल्कि व्यक्त दी गई भाषा प्रणाली के भीतर अपने अनुभव प्रकट करता है। भाषा प्रणाली व्यक्त के अनुभव की प्रकृति को निर्धारित करती है। फिर से अगला जो तीसरा सूत्र है उनका, कहते हैं कि भाषा कोई निश्चित और स्थायी प्रणाली नहीं है जिसमें एकल अर्थ हो बल्कि यह अंतर संबंधों का एक सेट है। अब यहां एक प्रश्न पैदा होता है कि यदि हमारा अनुभव भी भाषा द्वारा नियंत्रित है और पहले से उपस्थित भाषा प्रणाली पर खड़ा है तो भाषा में नया अनुभव जुड़ेगा कैसे, सृजन कैसे संभव होगा। यहां ससियों ये नहीं बताते कि नया सृजन कैसे संभव होगा। एक प्रश्न और खड़ा होता है कि अनुभव के आधार पर जो सारे साहित्यिक विमर्श खड़े हुए उन विमर्शों का क्या होगा। तो हमें ससियों की बातें बहुत आसानी से मान लेने की जरूरत नहीं है। मुक्तिबोध क्या कहते हैं अनुभव के बारे में, मुक्तिबोध लिखते हैं कि मनुष्य के हृदय में जो संचित अनुभव होते हैं उनका एक पक्ष अभ्यांतर दूसरा पक्ष बाह्यगत होता है। अनुभव में जो प्रवृत्ति लक्षित होती है वह मनुष्य का आत्म पक्ष है। अनुभव के अंतर्गत जो बिंब भाव अथवा विचार प्रस्तुत होते हैं वे बाह्य के ही संपादित संशोधित रूप है। अनुभव की तरह मुक्तिबोध यह भी मानते हैं कि मनुष्य का जीवन भी त्रिकोणात्मक है। जैसे अनुभव बाह्य और आंतरिक के बीच की कोई चीज है वैसे जीवन भी उसकी एक भुजा हमारे बाह्य जगत यानी मानव संबंधों के विशिष्ट क्षेत्र पर निर्भर टिकी है, दूसरी भुजा वह अंतरंग जीवन है जो बाल्यावस्था से बाह्य की क्रियाओं को आत्मसात करता, उसके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं करता हुआ, उससे संवेदनात्मक पुंज बनाता हुआ, उससे ज्ञान का विकास करता हुआ, उसमें काट छाट करता हुआ कर अपने अनुकूल बनाता हुआ या उसके अनुकूल होने का प्रयत्न करता है। ये जीवन के बारे में बताते हैं। और तीसरी भुजा को वो चेतना कहते हैं। कहते हैं कि इन दोनों के भुजाओं जो अंतर और बाह्य है इन दोनों के बिना वो जो चेतना है वो निर्मित नहीं होती है। मुक्तिबोध अपने निबंध लंबी कविता का अंत में अनुभूत वास्तव अनुभूत यथार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। अनुभूत की बात नहीं करते सिर्फ उसके आगे भी दो विशेषण लगाते हैं। तो अनुभूत और अनुभूत वास्तव में क्या कोई अंतर है, यह वास्तव या यथार्थ क्या सत्य से अलग कोई चीज है। हमारा अनुभूत तो वही है जो हम देखते सुनते समझते हैं, जो घर परिवार परंपरा से हमें मिला है, लेकिन मुक्तिबोध का अनुभूत वही नहीं है। मुक्तिबोध इस अनुभूत को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। हम जो कहते हैं कि हमारा अनुभव है मुक्तिबोध उसे सीधे सीधे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वस्तुओं रूप निबंध में मुक्तिबोध जीवन मूल्य जीवन दृष्टि सौंदर्य प्रतिमान और सौंदर्य अभिरुचि के बारे में बात करते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि ये हमारे मूल्य ये दृष्टियां ये सौंदर्य अभिरुचि किसकी है। और आज की कला से आज की कविता से आज के साहित्य से भी ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए या पूछा जा सकता है। यानी कि जो हम कहते हैं ये हमारी दृष्टि है ये हमारी सौंदर्य चेतना है ये हमारी अभिरुचि है, मुक्तिबोध उसको प्रश्नांकित करते हैं क्योंकि मुक्तिबोध उसके पहले अनुभव के बारे में कह आए हैं कि वो मिथ्या है। फिर मुक्तिबोध कहते हैं कि सौंदर्याभिरुचि व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती व्यक्तिजन्य नहीं होती। वो नई कविता का हवाला देते हैं कि आज की नई कविता में कर्कश विद्रोह स्वर
गली कूचों की धूल और मिट्टी की बदरंग तस्वीर अथवा क्रांतिकारी चंडता सौंदर्यात्मक नहीं समझी जाती। भद्रवर्ग की बैठकों में ऐसी कविताओं के प्रति अविश्वास, अरुचि, वैराग्य प्रकट किया गया। उनको वे आत्मानुभूत के स्वर नहीं लगती थी, तो निम्न मध्यवर्ग के कवि अपनी सौंदर्याभिरुचि को सेंसर करके उच्च मध्यवर्ग की सौंदर्याभिरुचि के अधीन हो गए। इसी तरह की बात वो व्यक्ति मन के बारे में लिखते हैं कि हमारा मन कैसे बनता है। मन आरंभ काल से जीवन जगत से प्रतिक्रिया करते हुए अपना विकास करता है। यद्यपि प्राणशास्त्रीय आधार पर यह ऊर्जा मन की अपनी है, किंतु आत्मसात्कृत जीवन जगत अर्थात संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के मूल तत्व जीवन जगत के ही होते हैं, और यह जीवन जगत समाज और वर्ग और परिवार के भीतर पाई जाने वाली मानव स्थिति, मानव संबंधों और मानव प्रयत्नों द्वारा परंपरागत ज्ञान या मिथ्या ज्ञान से बना हुआ, यानी हमारी हमारा मन, हमारा अनुभव, हमारा जीवन। हमने देखा कि मुक्तिबोध अनुभव के बारे में, जीवन के बारे में और मन के बारे में आत्म और बाह्य के बीच संघर्ष, विश्लेषण और द्वंद की बात करते हैं, और यह संघर्ष, विश्लेषण और द्वंद मार्क्सवाद के भीतर की प्रक्रिया है। यहां मुक्तिबोध के मिथ्या ज्ञान शब्द पर ध्यान देने लायक है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा मन, हमारी चेतना मिथ्या ज्ञान से बनी है, तो हमारा अनुभव भी उसी पर, उसी ज्ञान से बना होगा। लेकिन वह यह नहीं कहते कि यह जो मिथ्या ज्ञान है यह किसी कवि का, कलाकार का अपना मिथ्या ज्ञान है, बल्कि वे उसे एक ऐतिहासिक प्रक्रिया में निर्मित मानते हैं। अनुभव कैसे एक बाह्य दबाव या ऐतिहासिक प्रक्रिया में निर्मित होता है, मैं इसका एक बहुत आसान सा उदाहरण आपके सामने रखती हूं। आज जिस तरह का सांप्रदायिक माहौल है हमारे चारों ओर, उसमें 99% लोगों के पास उसका कोई सीधा अनुभव नहीं है, लेकिन उनको किसी धर्म विशेष के बारे में लगता है कि वह धर्म ज्यादा हिंसक है, वो ज्यादा कट्टर है, तमाम तरह की अवधारणाएं उस धर्म के बारे में है। तो एक तरह के नैरेटिव से इस तरह के मिथ्या ज्ञान को अनुभव, एक सामान्य अनुभव में बदला जा रहा है इस तरह के मिथ्या ज्ञान को। इसलिए जब हम कहते हैं कि यह हमारा अनुभव है, तो हमें उस पर थोड़ा सा सचेत होके सोचना चाहिए। मिथ्या ज्ञान से लिपटे हुए अनुभव को सीधे कविता में बरतेंगे तो पुनः मिथ्या ज्ञान ही पैदा होगा, और यदि उसकी काट नहीं मिलेगी कोई तो यथास्थिति बात पैदा होगी। तो फिर इस मिथ्या ज्ञान से बचने की काट क्या है? जो परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम क्या करें कि उसमें जो मिथ्या है वो छन जाए? मुक्तिबोध के यहां द्वंद्वात्मकता और समीक्षा दो प्रमुख प्रक्रियाएं बार बार आती हैं। आप इसको मिथ्या ज्ञान से बचने का मुक्तिबोधीय काट कह सकते हैं। ये जो समीक्षा है, ये जो द्वंद्वात्मकता है, ये जो परंपरा से हासिल आपका ज्ञान है, इसमें लगातार बदलाव, संशोधन करती रहती है। अनुभव को यही छोड़ती हूं और काव्य के दूसरे क्षण फैंटेसी पर आती हूं। मुक्तिबोध दूसरे कहते हैं कि दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूल से पृथक हो जाना और एक फैंटेसी का रूप धारण कर लेना, मानो वह फैंटेसी आंखों के सामने खड़ी हो। तो आप पहले क्षण में अनुभव आवश्यक था, लेकिन दूसरे क्षण के लिए उस अनुभव से पृथक होने की बात कर रहे हैं। मुझे यहां भी कुछ प्रश्न मिले, जैसे अनुभव का अपने कसकते दुखते उस अनुभव से, दुख से क्यों अलग होना जरूरी है, और यह अलगाव होता कैसे है, और फैंटेसी क्या है? मुख्यतः तीन प्रश्न। ध्यान रहे कि इन सभी प्रश्नों का जवाब खोज पाने में मैं बिल्कुल समर्थ नहीं हूं, लेकिन मैंने कोशिश की है और मुक्तिबोध के यहां ही इसके जवाब बिखरे हुए मिलते हैं। अनुभव से पृथक होने की जरूरत क्यों है और यह प्रक्रिया कैसे घटित होती है, मुक्तिबोध इसको बखूबी समझाते हैं। कहते हैं कि यह अलगाव इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें प्रातिनिधिकता का प्रश्न छुपा हुआ है। मतलब किसी लेखक के अनुभव को मैं पाठक अपना अनुभव क्यों मानूं और कैसे मानूं, अगर यह अनुभव मेरे अनुभव के बारे में कुछ नहीं बताता है तो। इसलिए जो तथा कथित निरा अनुभव पर आधारित होकर कविताएं लिखी जाती हैं, वे कई बार पाठक को अपने अनुभव से जोड़ नहीं पाती हैं, या वे भी जो उस अलगाव की प्रक्रिया से नहीं गुजरती हैं,
सीधे अनुभव से अव्यक्त के दायरे में ला करके पटक देती हैं किसी रचना अनुभव को, वे भी कविताएं पाठक में कुछ अतिरिक्त नहीं जोड़ पाती हैं। इसलिए कहते हैं कि अनुभव से, अपने अनुभव से तटस्थ होना, उसे दूरी बनाना मुक्तिबोध के लिए जरूरी है। अब फैंटेसी क्या है, मैं 2 मिनट और लूंगी। वैसे तो हम कहते हैं कि ये तुम्हारी फैंटेसी है, मतलब हम फैंटेसी को कोई और चीज मानते हैं, उसको रियलिटी से परे कहते हैं। हम कहते थे ये तुम्हारी फैंटेसी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुक्तिबोध फैंटेसी शिल्प का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? फ्रायड ने सपने के विश्लेषण के दौरान फैंटेसी पर बात की है। वे कहते हैं रात के स्वप्न कुछ और नहीं, फैंटेसी ही है। और फ्रायड के लिए स्वप्न क्या है, तो यहाँ एक जंक्शन है जो चेतन अवचेतन और उनकी दमित कामनाओं आदि से मिलकर आकार लेता है। फ्रायड स्वप्न को अवचेतन की प्रक्रिया मानते हैं, और अवचेतन वह है जहां हम अपनी रात की बेशर्म इच्छाएं फेंक देते हैं। फ्रायड के विपरीत लका कहते हैं कि हम केवल अपने सपने यानी फैंटेसी में ही वास्तविकता के करीब होते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि फैंटेसी ही वास्तविकता को अव्यक्त कर सकती है। पीछे मुक्तिबोध ने भी अनुभूत वास्तव शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन मुक्तिबोध अवचेतन को सिर्फ दमित इच्छाओं का केंद्र नहीं बताते, बल्कि वे मानते हैं कि वह एक शक्तिमान केंद्र है। मुक्तिबोध अवचेतन को सहचरी मित्र प्रवर कहते हैं, और लका आत्म के चेतन अवचेतन के विभाजन को अनिवार्य मानते हुए अवचेतन को ही वास्तविक कहते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कलाकार अपने आसपास व्यक्तियों के खंडहरों को, मैं छोड़ देती हूँ इसको, कहते हैं कि चेतन मन की जो सृजनशील धारा होगी उसके अनुकूल ही अवचेतन शक्तियां होगी, यानी कि चेतन अवचेतन में कोई इतनी बड़ी दूरी नहीं होगी। जो हमारा चेतन मस्तिष्क होगा उसी के आसपास इर्द गिर्द हमारी अवचेतन शक्तियां भी होंगी। मुक्तिबोध कला के संबंध में अवचेतन को चेतन से कम महत्व नहीं देते, इसलिए उसे शक्तिमान केंद्र आदि कहते हैं। कहते हैं कि यदि चेतन का अवचेतन से आविक संबंध नहीं होगा तो कला अभिव्यक्ति संभव नहीं होगी। वे फैंटेसी के बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि फैंटेसी अनुभव की कन्या है, लेकिन उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। हमने देखा कि कैसे अनुभव से फैंटेसी दूसरे चरण में पैदा होती है। ऊपर हमने देखा कि मुक्तिबोध ने अवचेतन की शक्तियों को चेतन मन की सृजनशील धारा से जोड़ा, और फैंटेसी में उन्होंने एक भावात्मक उद्देश्य और संवेदनात्मक दिशा की खोज की। इसी भावनात्मक उद्देश्य और संवेदनात्मक दिशा के चलते ही उसे नया रूप रंग आकार मिलता है। मुक्तिबोध लिखते हैं होता यह फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया में बहुत से नए तत्व उसमें आकर मिलते हैं। ये तत्व उसे लगातार संशोधित करते रहते हैं। ध्यान रखो, फैंटेसी अनुभव से प्रसूत होते हुए भी अनुभव बिंबित होती है। इस फैंटेसी में एक भावनात्मक उद्देश्य समाया रहता है, उसमें एक संवेदनात्मक दिशा होती है। इसी उद्देश्य और दिशा को मुक्तिबोध फैंटेसी का मर्म प्राण कहते हैं। अब आते हैं कि मुक्तिबोध ने फैंटेसी का क्यों प्रयोग किया। तो ऊपर हमने देखा कि ससियूर के भाषा सिद्धांत कैसे भाषा को जड़ बनाते हैं, उसमें नए अनुभवों के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ते, लेकिन अनुभव और लका उस फैंटेसी के जरिए ही नए सृजन में घुसने की, प्रवेश करने की या नया सृजन करने की बात करते हैं। और मुक्तिबोध या जो हम फैंटेसी के बारे में जानते हैं वो यह कि जो हमारी रियलिटी है, जो हमारा जिसको मुक्तिबोध वास्तव अनुभूत कहते हैं या यथार्थ अनुभूत कहते हैं, वह मल्टी डायमेंशनल है। तो उसको दूसरी जो काव्य विधान है उसके जरिए उसको अव्यक्त करना संभव नहीं है, या उसको उस तरह से नहीं अव्यक्त किया जा सकता जैसे फैंटेसी के जरिए उसको अव्यक्त किया जा सकता है। और फैंटेसी में जो उद्देश्य और दिशा होती है वही उस कलाकृति को आकार देती है, क्योंकि फैंटेसी एक डायनेमिक गतिमान चीज है। तो फैंटेसी बहुत सारे तत्वों को इकट्ठा करती रहती है, लेकिन सारे तत्व रचना के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए वो उनमें काट छाट करती है। मुझे फैंटेसी को पढ़ते हुए लगा कि जैसे कोई बड़ा भारी चुंबक हो, वो बहुत सारी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उसमें चूंकि सब नहीं समाहित कर सकता तो उसकी काट छाट करता है।
मैंने अपने लिए बताओ कभी ही इस निबंध को समझा, पता नहीं मैं कितना समझ पाई हूँ कितना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।